मिलाए अपने आराध्य के अवतार से प्रभु। तो माखन कहाँ है? अपने सखा को मिलकर मैं इतना उत्साहित था कि कब सब खा गया पता ही नहीं चला। अद्भुत है मेरे प्रभु और अद्भुत है उनकी मैया। वैसे एक तरह से वो मेरी भी मैया है, योग माया की मैया। उनके हाथ से बना हुआ इतना सा माखन भी मेरे लिए पर्याप्त है। जैसी मैया वैसी ही उनकी पुत्री, उतनी ही भावुक, उतनी ही शक्तिशाली। तभी तो जो समस्त संसार के रक्षक हैं, वो उनकी रक्षा करती है। कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता यदि वो गोकुल में ही है तो। लगता है जो कार्य पूतना नहीं कर पाई वो कार्य पूरा करने के लिए स्वामी ने किसी योद्धा को खोज लिया है। इधर आओ। इनकी बुद्धि इतनी तीव्र है जो कठिन से कठिन पहेली को भी अद्भुत सूक्ष्मता से अध्ययन करके सुलझा दे। इनकी बुद्धि की विशेषता समस्त जगत में उनका नाम और उनकी पहचान बन गई है। वो है ये सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर, सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर। महाराज कंस को सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर का सादर प्रणाम। ये पता लगाने के लिए कि विष्णु का अवतार सच में गोकुल में है या नहीं, मैं इन्हें गोकुल भेज रहा हूं। महाराज कंस, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके मित्र सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर को यहां देखकर आपकी रानियों को प्रसन्नता नहीं हुई। ये करेंगे आपके शत्रु का सामना। वृद्ध, दुर्बल, जो ठीक से खड़े हो पाने में भी सक्षम नहीं। सक्षमता चाल में होनी चाहिए या बुद्धि में? अपने पति के मित्र का अपमान अपने ही पति के समक्ष, इसका अर्थ यह है कि आप अपने पति के निर्णय का सम्मान नहीं करती हैं। और इसका यह भी अर्थ है कि आप अपने पति का ही सम्मान नहीं करती। वैसे मैं इनके विषय में चिंतित नहीं हूं महाराज। मेरी शंका तो उनके विषय में है।
में कुछ तो विचित्र है, रहस्यमयी है। आपकी दूसरी रानी सूक्ष्म बुद्धि, ये मत भूलिए, ये आपकी महारानियां हैं। कैसे भूल सकता हूं महाराज, वैसे इसमें इनका कोई दोष है भी नहीं। दोष तो है इस बुझे हुए दीप दंड का। इसके बुझे होने के कारण ही यहां चारों ओर अंधकार है, और इसी अंधकार के कारण इन्हें मेरा सत्य ठीक से दिखाई नहीं दिया, अन्यथा श्रीधर के गुण को ये अवश्य पहचान लेती है ना महारानी। राजसी भोज की मधुर सुगंध। आपके लिए विशेष पकवान बनवाया है श्रीधर। तो चले महाराज, पहले भोजन फिर वचन। देख रहे हैं नन्ना, रोहिणी जीजी ने कैसी कला सिखाई है मुझे, देख रहे हैं? मेरे लिए कुछ बना रही हो क्या? जो मन में है बोलते हो। लल्ला क्या सोचेगा? ये आपके लिए ना है, मेरे नीलमणि के लिए है। हाँ हाँ लल्ला। अब लल्ला सदैव मेरे साथ रहेगा। जो देखो अब मैं घर के कार्य भी कर पाऊंगी और इसकी उपेक्षा भी ना होगी, है ना लल्ला? अद्भुत मैया, ये हुई ना बात। सूक्ष्म बुद्धि को भोजन अति प्रिय है। आनंद आ गया प्रभु, अब आदेश करें आप। तुम्हें गोकुल जाना है सूक्ष्म बुद्धि। वहां जाके ये पता लगाना है कि नंद के घर में जो बालक है वो सच में विष्णु का ही अवतार है या नहीं। पता क्या लगाना प्रभु, उसके प्राण ही ले लूं। यशोदा, यशोदा बस करो, लल्ला को चक्कर आ जाएंगे। हाँ ये बात तो है। बेकार ही टोक दिया पिताजी, मैया कितनी प्रसन्न थी। यशोदा झूला ठीक तो रहेगा ना लल्ला के लिए, सदैव निकट रहने के कारण कहीं लल्ला तुम्हारा आदि ना हो जाए। हाँ तो अच्छा ही तो है, कहीं आपको जलन तो ना हो रही कि लल्ला मेरे अधिक निकट आ जाएगा। ना मुझे जलन ना हो रही, पर क्या? यशोदा मन बना चुकी है, अब झूला झूला के ही मानेगी। बताओ। ओहो फिर से झगड़ा, कुछ करना पड़ेगा। अरे क्या? लल्ला को नींद आ रही है। हाँ तो देख क्या रहे हो,
सहायता करो इसे सुलाने में। हाँ लाओ। तूने हमारा जीवन बदल दियो है लल्ला। बस अब प्रतिदिन ऐसे ही बीते तेरे साथ, हंसते मुस्कुराते आनंद से। पर कल तो वो अति बुद्धिमान आने वाला है बाबा। हमें आने दो, नंदलाल के दर्शन ही तो करने आए थे भाई। स्थान दो भाई, हम लोग यहाँ नंदलाल के केवल दर्शन ही तो करने आए क्यों भाई हो? दर्शन करने भीतर जाने दो, अरे जाने दो हमें। मूर्ख कहीं के मुझे रोकने चले थे। अरे मेरी बुद्धि से तो लोमड़ी भी शिक्षा लेती है, तभी तो मुझे सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं। आइए बुद्धिराज, आनंद से करूंगा आपका स्वागत। ये रहा घर, अंततः पहुंच ही गए। अरे मूर्खो, मार क्यों रोक रहे हो? हट जाओ वरना भस्म कर दूंगा तुम्हें। तनिक ठहरिए महाराज, बिना पूछे मुंह उठा अंदर चले आ रहे हैं। हमें रोक रहे हो? अरे जानते भी हो कौन है हम? ना नहीं जानते। और जानने की आवश्यकता भी क्या है? है और जान भी लें तब भी हम आपको भीतर ना जाने देंगे। बुक्का है ना, आदेश नहीं है। इसलिए महाराज आपसे निवेदन है, जय मार्ग से आप वापस लौट जाओ। पीछे चले जा। नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे। इसे खोलो खोलो इसे। हैं तुम जानते भी हो किसका अपमान कर रहे हो? मूर्खो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी। श्रीधर महाराज है हम। कौन महाराज, कहां के महाराज? चलो भागो उधर। अच्छा कौन महाराज, कहाँ के महाराज? अब तो तुम्हारी रानी यशोदा बताएंगी कि हम जो हैं परम पूज्य पुजारी, जिनके जिनके जिनकी आराधना उनके पिता श्री भारूगिरी, उनकी माता जी पद्मावती जी करती हैं। उन श्रीधर महाराज का घोर अपमान किया है तुम दोनों ने, घोर अपमान। यशोदा तुम जानती हो ना? ना किंतु लग तो है जे मेरे माँ बाबा को जानते हैं, मेरे मायके की ओर से आए हैं जे श्रीधर महाराज। अरे मेरी भोली मैया, ढोंगी महाराज है ये, असुर है। जो भी हो जाओ चलो। अरे किंतु, अरे बोलने दो इन्हें। बेटी यशोदा, हम श्रीधर महाराज आपके माता पिता के करीबी परिचित हैं। हम तो तुम्हारे पुत्र के दर्शन करने आए थे। और हाँ, ये अखंड पूजा का प्रसाद भी देना था। कई पखवाड़ों से मैं ये पूजा कर रहा था तुम्हारे पुत्र के स्वस्थ जन्म के लिए। ये प्रसाद मुझे दे दीजिए। नहीं, यही प्रसाद दे दिया तो ये यहीं से भेज देगा मुझे। बुद्धि लगाओ सूक्ष्म बुद्धि, इससे पूर्व की खेल बिगड़ जाए। शीघ्र ही कोई उपाय निकालो। अरे आप काहे कष्ट कर रहे हैं श्रीमान, हम आते आप। महाराज ठीक तो है? आपको ज्यादा अधिक हमें धक्का किसने दिया? धक्का? अरे हमने कछु नहीं करो। आपको ज्यादा अधिक चोट तो ना लगी? भैया आप इन्हें भीतर ले चलो। सोता मर गया।
वो आज्ञा तुम गोकुल वासियों को भी ना देती, वो इन्हें दे रही हो? ये बात तो है, ऐसे कैसे आने दो उन्हें? मर गया, इन्हें चोट लगी है, सहायता तो करनी चाहिए, भीतर आने दो ना। सुधा, कल वो जोगी बाबा को तो भीतर आने दिया था ना, अब ये भोले भाले बूढ़े बाबा मेरे मायके की ओर से आए हैं, तो बड़ी समस्या हो रही है आपको। कोई बात नहीं बिटिया, समस्या है तो फिर कभी आ जाएगा। रुक जाओ बाबा, जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो जाता है कहीं ना जा रहे हो आप, भीतर आ जाइए। जाओ वैद्य जी को लेके आओ, उन्हें कहो शीघ्रता करें। जाओ जाओ जाओ, आओ बाबा। भगवान तुम्हारा भला करे बिटिया, सदा सुखी रहो। बोला चाचा सबसे कड़वी औषधि दिलवाना इन्हें। तू प्रभु, जैसे बैद्य जी ने औषधि दे देते हैं, आप इनके लिए बैलगाड़ी मंगवा लीजिए। लगता है एक बार फिर से अपनी सूक्ष्म बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा मुझे। फिर नया ढोंग करेंगे ढोंगी महाराज। मुझे तो कोई चोट ना दिखाई दे रही है। अरे भीतर की चोट है, बाहर से कैसे दिखेगी? पर कोई चिन्ह तो होना चाहिए ना। चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा? अरे तुम्हारी विद्या पूर्ण भी हुई है या अभी शिक्षा दीक्षा चल ही रही है? भीतर की चोट का चिन्ह भीतर होगा या बाहर होगा? मुझे देखो, मैं पीड़ा से कराह रहा हूँ, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा। तब तो जब तक पीड़ा पूरी तरह से ठीक ना हो जाती, नित्य जांच करनी पड़ेगी। हाँ यही तो चाहिए था वैद्य जी, रुकने का बहाना। आप चिंता मत करो, मेरे पास एक रामबाण औषधि है जो चुटकी बजाते ही सारी पीड़ा दूर कर देगी। ये लीजिए, दोपहर को भोजन के बाद इन्हें दे देना। राम राम। राम राम। राम राम। वो बालक कहाँ है जिसके बारे में महाराज कंस ने बताया था? मैं पास ही के अतिथि गृह में इनके रहने को प्रबंध करके आता हूँ। अरे श्रीमान सुनिए, अरे सुनिए तो सही, अरे हमसे तो तिलवर हिला नहीं जाना, पास के अतिथि गृह तक कैसे जाएंगे हम? दया करके मुझे घर के किसी कोने में पड़ा रहने दो, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। आए, अरे बोझ की कोई बात ही ना है महाराज। अरे नहीं नहीं बिटिया, मैं तुम्हारे मायके से हूँ, इसलिए मुझ पर किसी तरह की विशेष कृपा करने की आवश्यकता नहीं। जैसे ही मेरा दर्द कुछ कम होगा, जैसे बन पड़ेगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ना बाबा, कहीं जाने की आवश्यकता ना है, आप तो यही विश्राम करो, मैं आपके लिए गरम गरम खिचड़ी बनाती हूँ, औषधि के साथ सुपाच्य होगी। खिचड़ी नहीं यशोदा रानी, तुम्हारे पुत्र के प्राण चाहिए मुझे। यशोदा, जब तक तुम खिचड़ी बना रही हो, लल्ला को मैं संभाल लेता हूँ। लाओ। पर तुम्हें काम करने में समस्या ना होगी? अरे इसी कारण तू बनाओ ना जी झूला। क्षमा करना बाबा, अगली बार आऊंगा आपके पास। और ढोंगी महाराज, आप तो प्रतीक्षा ही करो अभी। इनके बालक तक पहुंचना आसान नहीं लग रहा है, किंतु ये सूक्ष्म बुद्धि श्रीधर हार मानने वालों में से नहीं है। इस अवतार का सत्य तो मैं जान कर रहूंगा।
तुझे पता है मेरी मैया क्या कर रही है? अतिथि आए हैं घर पे, उनके लिए खिचड़ी बना रही है मेरी मैया। मैया देखो डोंगी बाबा। क्या हुआ, तुझे भी खानी है खिचड़ी? है ना? ना दे सकती लल्ला। तेरा अन्न प्राशन ना हुआ है अभी, है ना? अब तो इन्हें सीख देनी ही पड़ेगी। अवश्य ही मुसक में कुछ गिराओ है। अब तो बिल्ली रखनो ही पड़ेगी लल्ला। कल सवेरे सवेरे सबसे पहले बंसी भोला से झाड़ू पोछा लगवाऊंगी। तेरे आसपास एक भी मूसक ना भटकना चाहिए। हाँ तो अरे मैया, इस शिक्षक के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ। खिचड़ी तो पक गई लल्ला, महाराज को खिलाए। पर वो तो खाने की अवस्था में ही नहीं है मैया। बाबा बोला बंसी। अरे जे महाराज कहाँ गए? उन्हें बाहर जाते तो ना देखो भाभी, यहीं कहीं होंगे। तू देखो, महाराज 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 बोला बोला, तुम भीतर देख लो, हम बाहर देख लेते। महाराज 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 भाभी, क्या हुआ? क्या होगा? बाबा यहाँ क्या कर रहे थे? लगता है भाभी मूर्छित हो गए हैं। अरे अरे जल छिड़को बंसी, जल ना बाबा, छिड़को पानी छिड़को। महाराज ओ महाराज, आगे खोलो। गहरी चोट लगी है, इतने से जल से नहीं उठेंगे ये। अरे अच्छे से जल छिड़को। हाँ। उठ गए महाराज। बाबा आप ठीक हो? बाबा जी क्या होगा, गाल कभी लगो क्या? किसने मारा मुझे? इसने? जो भी हो, प्रतिशोध तो अवश्य लूंगा मैं। प्रतिशोध बाद में लेना महाराज, पहले खड़े तो हो जाओ ठीक से। बाबा आप ठीक हो? बाबा जी क्या होगा, गाल पे भी लगो क्या? किसने मारा मुझे? क्या इसने? जो भी हो, प्रतिशोध तो अवश्य लूंगा मैं। प्रतिशोध बाद में लेना महाराज, पहले खड़े तो हो जाओ ठीक से। बाबा जी आप यहाँ क्या कर रहे थे? बिटिया हम तो पीड़ा कम करने के लिए टहल रहे थे, फिर न जाने अचानक ही। अच्छा कोई बात ना है, आप खिचड़ी खा लो, चलो पेट में अन्न जाएगा तो शक्ति मिलेगा। हाँ अच्छा, ये झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं मैया। अभी तो और भी बुरा होगा इनके साथ। खाओ बाबा। हाँ खा।
56 पकवान खाने की लत है मुझे, ये फीकी सी खिचड़ी तो गले के नीचे ही नहीं उतर रही। क्या हुआ बाबा, आप भोजन छोड़ रहे हो? आप तो पंडित महाराज हो ना? छोड़ कर रहे हैं, खा तो रहे हम। कैसी लगो खिचड़ी? बहुत अच्छी बिटिया, अद्भुत, अतुलनीय, अति स्वादिष्ट, आनंद आ गया। आनंद तो अब आएगा। मामा जे लो औषधि, ये भोजन के बाद ही तो खानी थी ना। क्या ये भी खानी होगी? जे जल के साथ खा लो, सुविधा होगी। भविष्य पुराण मत बाजो महाराज, वर्तमान में ही खानी पड़ेगी। अपनी कड़वाहट का स्वाद स्वयं चखा, आया ना आनंद। बाबा अब आप विश्राम करो, संध्या तक आपकी सारी पीड़ा समाप्त हो जाएगी। पीड़ा तो मेरी तब समाप्त होगी जब मेरे यहाँ आने का उद्देश्य पूरा होगा, जब तेरा पुत्र प्राण त्यागेगा तब आएगा मुझे असली आनंद। परंतु ये होगा कैसे? हर समय तो मैया इसे कलेजे से लगाए घूमती है, कब होगा, कैसे हो पाएगा? जब होगा रात्रि का अंधकार तब करना होगा अचूक प्रहार। प्रिय बहन के गर्भ से उसकी आठवीं संतान बनकर जन्म लेगा और तेरा विनाश करेगा, विनाश करेगा, विनाश। अपने पापों का प्रायश्चित कर और निर्दोष देवकी और वसुदेव को इसी क्षण मुक्त कर। उतना मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। अखंड पूजा के प्रसाद के प्रभाव से अखंड निद्रा का लाभ ले रहे हैं ये सब।
अब भोर से पहले उन्हें कोई हिला हिला कर भी जगाएगा तो भी उठ नहीं पाएंगे। यदि सभी गहन निद्रा में हैं, तो पालना अपने आप झूल कैसे रहा है? ये प्रकाश कैसा आ रहा है पालने से? देखे बिना रहा भी ना जाता मुझसे। भाई राम। अब कौन आ गया? अरे मेला लगा है क्या? कभी कोई आता है तो कभी कोई। इसे प्रेम करने वालों की भीड़ देखकर तो लगता है कि रात्रि में भी अवसर नहीं मिलेगा। आज तो मैं आई हूं तुझे नहीं हारने, पर जब तू बड़ा हो जावेगो ना तब तू भी ऐसे ही आवेगो छुप छुप के मुझे मिलने। वैसे भी कस्तूरी से सुंदर कोई है भला गोकुल में? क्यों नील, मैं भी कितनी बावली हूं, तुझसे कह रही हूं ये, तुझसे ज्यादा मनमोहक कोई हो सकता है भला? देखने में तो बिल्कुल लट्टू जैसा है, मन कर रहा है कि खा जाओ तुझे। अरे ऐसा थोड़ी ना करोगी तेरे साथ, मैं तो तेरी प्यारी सिलेक्शना चाची हूँ ना। हाँ? अच्छा तुझे मिलने में इतनी रात को आई, तू प्रसन्न तो है ना? मैं तो हूँ, पर कोई और है जो प्रसन्न नहीं है। ये सब की सब मिलकर मेरा मूल्यवान समय नष्ट कर रही हैं। अपनी सूक्ष्म बुद्धि का चमत्कार दिखाना ही पड़ेगा। तुम दोनों क्या कर रहे हो यहाँ पर? वही जो आप करने आई हो, लल्ला के दर्शन हो गए ना। अब चलो यहाँ से, इससे पहले कि वो नया प्रहरी आ जाए और यशोदा जी को सारी बात बता दे और बात का पतंगड़ बन जाए। चलो। अरे कोई प्रहरी नहीं, ये तो स्वयं चोर है। अच्छा हुआ जो लाठी की आवाज सुनकर चली गई, अन्यथा इसी लाठी से पूजन करता इनका मैं आज। कहीं ये लाठी ही आपका स्वागत ना कर ले ढोंगी महाराज। बड़ा प्रसिद्ध है गोपियों के बीच, तनिक मैं भी तो देखूं ऐसा क्या है तुझमें।
अरे ये तो जगा हुआ है और इसमें ये आभा कैसी है? ये चंद्रमा का प्रभाव है क्या? किंतु चंद्रमा के प्रकाश से केवल बालक ही क्यों चमकेगा? इसके भीतर सच में प्रकाश फूट रहा है या मेरा भ्रम है? ये अभी पता चल जाएगा ढोंगी महाराज, क्या सत्य है और क्या भ्रम। कौन है? कौन है यहाँ? मूषक महाराज, आओ दर्शन कर लो मेरे। बस देखते ही मत रहो, असली मूषक को ढूंढने में मैया की सहायता करो। ये है चोर? ए, यहाँ कहाँ आ रहा है? चल, 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 हट, भाग, भाग यहाँ से। अगर मेरे लल्ला को सताओ ना तो इतना कूटूंगी कि फिर कभी ना दिखेगा। जो झूठ बोले वो डंडा खाए। समझ आया महाराज? लल्ला, यहाँ आधी रात में तेरी मैया मूसक भगा रही है और तू यहाँ आनंद से खिलखिला रहा है? हाय राम, हाय राम। लल्ला तू जाग रहा है? कहीं वो मूसक तेरे पालना में तो ना घुसा है? हाँ मैया, वो तो मेरे पालने को छू भी नहीं पाया। यशोदा, क्या हो गए हो? मूसक है जी। मूसक कहाँ? जी इसके भीतर। यहाँ तो ना है, लगता है चले गए। देखो लल्ला, इतने डंडे मारो है तेरी मैया ने उस मूसक को कि कभी तेरे निकट भी ना फटकेगा। हाँ हाँ लल्ला, तू चिंता मत ही कर, तू चैन से सो जा, सो जा। चिंता तो अब वो करेगा मैया। ये क्या हो रहा है सूक्ष्म बुद्धि, जब से यहाँ आया हूँ कुछ ना कुछ अमंगल ही हो रहा है। पहले केवल गिर पड़ रहा था, अब डंडे भी पड़ने लगे। कुछ बुद्धि लगाओ सूक्ष्म बुद्धि, जो कुछ यहाँ हो रहा है सामान्य नहीं है। प्रभु अरे किंतु यहाँ तो सब सामान्य ही लग रहा है। बालक के आसपास न कोई प्रकाश न कोई आभा, हो न हो उस औषधि के प्रभाव से मुझे मति भ्रम हुआ होगा। अब कुछ नहीं कर पाऊंगा, अब जो कुछ करूंगा कल औषधि का प्रभाव समाप्त होने के बाद ही करूंगा।
लल्ला कितना सोएगा, कितना सोएगा लल्ला, कितना सोएगा मेरा लल्ला, उच्चा लल्ला, उच्चा लल्ला, उच्चा मेरा लल्ला। ऐसे तो देखने में बड़ी भोली भाली है, किंतु जब बालक पर समस्या आती है तो कोई भी माँ ज्वाला बन जाती है। महाराज जी, जी नंद जी, लगता है बैजी की औषधि का प्रभाव ना पड़ा आप पर। हाँ। क्या हुआ, पीड़ा कम ना हुई आपकी? इसे ही कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। नंद, क्या हुआ भैया, सब कुछ ठीक है? हाँ सब ठीक ही है। तनिक हमारे साथ आओ, कुछ आवश्यक बात करनी है तुमसे। आते समय आपके लिए और औषधि ले आऊंगा, आप शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। आवश्यकता तो है इन्हें औषधि की, रात को डंडे जो खाए हैं। मुझे भी लल्ला को स्नान कराना है। महाराज आपको कुछ आवश्यकता हो तो बता दो। नहीं नहीं बिटिया, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा भी ध्यान का समय होता है, हम ध्यान में जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। तू सूर्यदेव की किरणों का आनंद उठा, मैं तेरा उत्तन बना के लाती हूँ। किंतु बूढ़े महाराज को तंग ना करना है, ध्यान रखना। ध्यान नहीं, कपट कर रहे हैं मैया, ध्यान तो अब मैं रखूंगा इनका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये मेरी तरफ पास पास खिसक रहा है, मैया सावधान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सोचो मत मैया, डंडा उठाओ डंडा। बाबा जी, आप वहां बैठे थे, आप यहाँ कैसे आ गए? जय का चल रहा है बिटिया? क्या है, जानबूझकर ये सब थोड़ी करता हूँ, ये तो मेरी शक्ति का प्रभाव है। शक्ति का प्रभाव? हाँ हाँ, क्या है कि ये ध्यान का उच्च स्तर है। जब साधक अपनी कुंडलिनी को जागृत कर लेता है तो वो ध्यान की ही अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण कर सकता है। और यही नहीं, एक बार तो ध्यान की अवस्था में अब हम इतना दूर निकल गए थे, इतना दूर निकल गए थे अब जैसे अब तुम्हारे गोकुल से मथुरा। हाँ हाँ हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतना झूठ बोलोगे तो मैया सचमुच मथुरा ही पहुंचा देंगी।
इन सभी को हमारे नीलमणि और पूतना की घटना के बारे में पता चलो। अभी ये सब हमारे लल्ला का दर्शन करना चाहते हैं। इनको लगता है कि हमारा लल्ला विशेष है। भैया कौन सच्चे मन से दर्शन करने आया, किसके मन में है छुपाए, कैसे पता चलेगा, कैसे मिलने तो इन्हें लल्ला से। प्रणाम नंदराज। नंदराज जी आपके बालक पर नारायण की कृपा है, बस एक बार उसके दर्शन करा दीजिए। प्रहरियों ने मना किया था बार बार जाने के लिए भी, कहो पर ये पूरी रात्रि भर से यहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं। बार बार कहे जा रहे हैं कि यदि नंजी हमें ये कह दें कि लल्ला के दर्शन ना हो सके तो हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारी पुकार सुन लीजिए गोप नरेश, अब आप ही हमारा अंतिम आसरा है। इनमें से बहुत से व्यक्ति तो ऐसे हैं जिनके अबोध बालकों को पूतना खा गए। भैया मुझे तो कछु समझ ना आ रहा, आप ही बताएं मैं क्या करूं। अब मैं तो यही कहूंगा कि सावधान रहो, पर ये सभी लोग बहुत आस लेकर आए हैं यहां पर, इन्हें निराश मत करो। चिंता मत कर नंद, जब तक एक एक व्यक्ति हमारे लल्ला के दर्शन करके वहां से निकल नहीं जाता मैं प्रहरियों के साथ में खड़ो रहूंगा, निगरानी करता रहूंगा। हमें लल्ला के दर्शन करवा दीजिए, हमें लल्ला के दर्शन करवा दीजिए, हमें लल्ला के दर्शन करवा दीजिए, हमें लल्ला के दर्शन करने 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 दीजिए। शांत हो जाइए आप सब, शांत हो जाइए, लल्ला के दर्शन अवश्य मिलेंगे, पर आप सबको हमें एक वचन देना होगा कि सुरक्षित दूरी से ही आप लल्ला के दर्शन करोगे और शांतिपूर्वक वापस लौट जाओगे। आपकी बहुत बहुत कृपा नंदराज, आपने हम लोगों को बहुत बड़ा उपकार कियो है। नारायण अपनी कृपा आप पर बनाए रखे। नंदराज की जय, नंदराज की जय, नंदलाला की जय, नंदलाला की जय। ये कैसी ध्वनि आ रही है लल्ला, मैं देख के आऊं? अभी आई तेरी मैया। अच्छा तो यहाँ है तू, ये लोग लल्ला को देखने के लिए उत्सुक रात भर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। देख अब तो आसपास कोई भी नहीं, केवल तू और मैं, और अब तो वो दिव्य प्रकाश भी नहीं है। अरे कैसा प्रकाश, अवश्य औषधि के प्रभाव में मति भ्रम हुआ होगा मुझे। वैसे एक बात तो है, तू है बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही भोला भाला, निर्दोष। धन्यवाद, आभार। कौन कौन बोला? इधर उधर मत देखो ढोंगी महाराज, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं वही हूँ जिसके लिए कंस ने आपको यहाँ भेजा है।
से वही प्रकाश, अर्थात मति भ्रम नहीं था, तू ही है वो दिव्य बालक। देख, तेरी वास्तविकता का पता चल ही गया मुझे। इतनी भक्ति करोगे तो दर्शन तो देने ही पड़ेंगे ना। भक्ति तेरी, वो भी मैं भक्ति करूँगा। आते ही दंडवत प्रणाम किया, प्रसाद चढ़ाया और आज तो भोर से ही मेरे मंत्रों का जाप कर रहे हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब कहो क्या चाहिए मुझसे? तू बिट्टे भर का बालक, तू भला मुझे क्या देगा? बार बार गिरे पड़े, थप्पड़ और डंडा भी खाया, फिर भी बुद्धि नहीं आई महाराज। तू अबोध बुद्धि की बात करता है? सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं मुझे। तूने देखा नहीं कल कैसे मैंने सभी को गोकुल के मुख्य द्वार पर ही रोक दिया, केवल मुझे प्रवेश मिला। ये है मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि। उसे बुद्धि नहीं कपट कहते हैं। तो कपट है सही, किंतु मेरा कपट काम तो आया। किसी और को तेरे दर्शन नहीं मिले, मुझे मिले। कपट से दर्शन मिल सकते हैं, आशीर्वाद नहीं। अरे तेरा आशीर्वाद चाहिए भी नहीं मुझे। पर उन्हें तो चाहिए। नंदराज की, नंदराज की, नंदराज की, नंदराज की। मूर्ख हैं वे लोग, यदि कंस के दरबार में जयकार करते तो आशीर्वाद में कुछ मिल भी जाता, यहाँ क्या मिलेगा उन्हें? स्वयं ही देख लेना। वो तो मैं देख ही लूंगा। चिंता ना करो उपनंद भैया, उनके साथ कछु ना होगा हमारे लल्ला को। आओ। महाराज, ईश्वर बचाए कुदृष्टि से आपके बालक को। आइए आइए, बाहर हमने भीड़ का स्वर सुना तो बालक की रक्षा के लिए तुरंत यहाँ आ गया। धन्यवाद लल्ला। अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकते, चलो सब दर्शन कर दें। अरे, अरे भैया, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे ठहरिए, अरे रुकिए आप, ठहरिए। ऐसे नहीं, ठहरिए, सब एक एक करके जाएंगे, ऐसे साथ नहीं। अरे अरे आप लोग कहाँ जा रहे? अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे अरे सुनिए, अरे रुको, अरे रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप सब लोग? रुकिए, एक साथ नहीं, देखिए एक एक करके। अरे सुनिए सुनिए, अरे शांत हो जाइए आप सब लोग, धीरज धरिए। अरे धीरज धरिए, सबको दर्शन हो गए। लगता है अब मुझे ही संभालना होगा इन सबको। तारनहार जब से हमारे पोते को पूतना ने खाया,
हमारी बहू पत्थर बन गई थी। आज पहली बार आपके लल्ला को देखकर जैसे जीवन लौट आया है इसमें। जसोदा रानी, आपका लल्ला आशा की किरण बन के आया है। सूरज सा चमकेगा ये। कोई दुष्ट, कोई राक्षस इसे हानि नहीं पहुंचा पाएगा। और कभी किसी ने प्रयास भी किया तो उसका परिणाम वैसा ही होगा जैसा पूतना का हुआ था। सुना दूंगी महाराज, जो मेरे लिए आशीर्वाद है वही आपके लिए है श्राप। मैं तुझसे भयभीत नहीं हूं, और अब तो तुझे मेरा सत्य भी पता चल चुका है विष्णु के अवतार। अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? अब तो तेरे प्राण लेकर ही रहूंगा मैं। आपकी चुनौती मुझे स्वीकार है। ए प्रभु। क्या हुआ श्रीधर महाराज? आइए आइए नंद महाराज। पीड़ा गई ना भी आपकी? गई? उल्टा स्तन को आश्रम समझकर यहीं बस गई है। एक सप्ताह का समय होने को आ रहा है, अब तक तो आपको स्वस्थ हो जाना चाहिए। हाँ। मैं बैजी को संदेशा भिजवा कर बुलवा लेता हूँ, वो पुनः आकर आपको देख लेंगे। क्या पता औषधि बदलने से लाभ हो। सही कहा बाबा, और कड़वी औषधि चाहिए इन्हें। नंद, जी भैया। नंद, जो गुप्तचर हमने मथुरा भेजे थे वो किसी भी क्षण यहां पहुंचते होंगे। हमें शीघ्र ही उनसे मिलकर पूछताछ करनी होगी। चलो। इनके गुप्तचर मथुरा से वापस आ रहे हैं। यदि उन्हें मेरे बारे में पता चल गया होगा तो मुझे किसी भी तरह अपना कार्य आज ही पूर्ण करना होगा। नंद बाहर गया है, यशोदा रसोई में व्यस्त है, और आज तो जानकी भी नहीं आई है। इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा सूक्ष्म बुद्धि। तेरी दिव्यता मेरी बुद्धि के पंजे में फंसकर ऐसे फड़फड़ाएगी जैसे वह। फड़फड़ाना बाद में, पहले मेरी रक्षक से तो बच के दिखाओ बुद्धिराज। रुक जा दुष्ट। इतनी शीघ्र भेद खुल गया क्या मेरा? लगता है आज बेलन से पिटाई होगी। इतनी सी इच्छा? ठीक है, पूरी कर दूंगा।
आपके लिए ना है जी, तो उस मधुमक्खी के लिए। कब से घूम रहे हो, जाने कहाँ से आ गए? आप ही बताओ, ऐसे कैसे घूमने दूं? मेरे लल्ला को डंक मार दे तो। हाँ लल्ला, क्या सोचो उस मधुमक्खी ने, मेरे लल्ला के आसपास घूमेगी और मैया देखती रहेगी। हाँ नहीं तो। झूठ बोला तो मधुमक्खी से भी बुरी दशा हो जाएगी ढोंगी महाराज। बाबा वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो मेरे लल्ला के पास? वो हम है बेटी। अरे हाँ, आप भोजन खाने आए होंगे। हाँ। आज तनिक विलंब होगा बाबा। हाँ। वो जानकी ना आई, जे सब गोपियाँ जमुना जी के तट पर जा रही हैं। हाँ, हाँ जमघट करेंगी, सब बेरिया तोड़ के खाएंगी इसीलिए। फिर तो बेटी यशोदा तुम्हें भी जाना चाहिए, क्योंकि तुम तो घर से बाहर निकलती ही नहीं हो। सही कहा ढोंगी महाराज, अब मुझे ही कोई लीला रचनी पड़ेगी। नीलमणि, नीलमणि, ओ नीलमणि। तुम सब तो घाट पर जाने वाली थी, गई ना? लल्ला को देखे बिना कैसे चले जाते, और आप भी तो आ रही है हमारे साथ। लल्ला कौन आया है? हाँ तू बुला रहा था ना, इसलिए हम सबके सब चले आए तुझसे मिलने। मैं कहीं ना जा रही। जा कैसे नहीं रही आप भी चलेगी हमारे साथ जैसे पहले चलती थी? अरे पूछना रही हूँ यशोदा जी, बता रही हूँ। अरे हम भी तो यही कह रहे थे, मतलब जाना चाहिए तुम्हें। मैं भी तो यही कह रही हूँ कि मैं नीलमणि को छोड़ के कहीं ना जा सकती। जे अभी तक यही धरना दिए हुए हैं? अरे अरे कुछ भी मत ही बोलो, और जो बोलो तनिक धीरे बोलो, नल्ला उठ जाएगो। ना भाभी ना उठेगो, जो प्रतिदिन ऐसे ही और इसी समय खैरी और लंबी निद्रा लेते है। लेनी पड़ती है ताकि मैया को भी थोड़ा समय मिल जाए। लो फिर क्या समस्या है, जब तक ये सो रहे है आप चली चलो हमारे साथ। सो रहे है तो क्या हुआ, मैं लल्ला को अकेला छोड़ के ना जा सकती। अकेला कहाँ है यशोदा, हम है ना इसकी सुरक्षा के लिए। जाओ जाओ जाओ। और नहीं तो क्या, बस बैठकर निवाला तोड़ेंगे तो इन्हें भी अच्छा ना लगेगा, कुछ तो करे है ना महाराज। बालक के साथ साथ इसे भी मार कर ही जाऊंगा। ना मैं मान भी जाऊं, किंतु मेरे भीतर जो मैया का मन है ना वो ना माने को, मुझे क्षमा करो, तुम सब जाओ। बेटी यशोदा, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से तुमने मेरी सेवा ऐसी की है जैसे मेरी अपनी बेटी करती है, तो मुझे भी सेवा का अवसर दो। तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे उपकार का बोझ लेकर चला जाऊं यहाँ से, और जब मेरा अंत समय आए तो तुम्हारा ऋण चुकाए बिना ही प्राण त्याग दूं। मानो तो भला न मानो तो भला, किंतु सत्य यही है तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है। माँ की ऊर्जा से ही संतान अपनी शक्ति प्राप्त करती है, इसीलिए तुम्हें स्वस्थ और सदा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए। यदि तुम प्रसन्नचित्त रहोगी तभी तो तुम्हारी संतान भी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त रह सकेगी। जाओ पुत्री। जाओ। सुन लिया यशोदा जी, अब नीलमणि के लिए आपको चलना ही होगा। हाँ। जे है इसका ध्यान रखने के लिए। अरे किंतु बाबा को भोजन भी तो परोसना है। हम स्वयं परोस लेंगे। तुम जाओ बिटिया। हाँ हाँ चलिए यशोदा जी। चलो चलिए आप यशोदा जी, चलिए। कुछ पल के लिए तो मेरी चिंता छोड़ो मैया, और जीवन का आनंद लो, तब तक मैं इनको संभालता हूँ।
नदी का स्नान, अमिया, संसार भूल के मौज में मगन हो जाना, ऐसा लगता है जैसे ये सब तो मैं भूल ही गई थी। आज कितने दिनों बाद वही आनंद फिर से अनुभव करूंगी मैं। प्रणाम नंद भैया। प्रणाम उत्तम भैया। सब ठीक है? हाँ। आपकी विकलांग बनाने की योजना बहुत अच्छी थी। सारी जानकारी प्राप्त कर ली और किसी को संदेह भी ना हुआ। बहुत अच्छे। क्या समाचार लाए हो? इस बार कंस ने गोकुल में किसी विकट को भेजा है और सबसे बुरी बात तो ये है कि वो हमसे पहले यहाँ आ चुका है। अब वहीं खड़े रहोगे क्या ढोंगी महाराज? नहीं, अब मैं तेरे निकट आऊंगा और उस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करूंगा जिसके लिए मित्र कंस ने मुझे यहां भेजा है। निसंदेह अत्यधिक समय लग गया, किंतु अंततः वो क्षण आ ही गया जब मैं तेरा अंत करूंगा। और वो व्यक्ति बहुत दिनों से गोकुल में रह रहा है। जे कौन है, कहां रहते है, इसका पता ना कर पाया हूं। कोई तो सूत्र होगो जिससे उसकी पहचान पतो चल सके। बस इतना पतो है नंदराज कि उसने कंस के साथ भोजन किया था। उस दिन विशेष व्यंजन बनाने का आदेश मिलो था हमें। तुमने देखो था उसे, कैसे वस्त्र पहने थे, कैसे शस्त्र हैं उसके पास। कोई ना कोई शस्त्र तो अवश्य होगा इस घर में। भयभीत मत हो ढोंगी महाराज, अनेक है, कोई भी चुन लो। सूक्ष्म बुद्धि को किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं, तेरे लिए तो मेरे हाथ ही पर्याप्त हैं। आज सब कितने समय बाद इकट्ठा हुए हैं ना, आ जाएगा आनंद। अरे देख तेरा नाम लेते ही कौन आ गया? संगिनी मौसी और सुमिति, लगता है सास बहू में समझौता हो गया आज। पर अब की बार झगड़ा क्यों हुआ था? पता नहीं, चल। संकरी चाची चाहती है कि इनका लल्ला इनके पल्लू से बंधा रहे और बहू कहती है कि इसका पल्लू कम शक्तिशाली थोड़ी ना है, तो इसके पल्लू से क्यों ना बंधा रहे इसका पति। हाँ जसोदा जी, जी देखो ना, जो मुंह में आया बोली जा रही है सुलक्षणा। ए शांत रहो सब। उन्हें देखकर लल्ला की स्मृति आ गई ना। वो घर में आनंद से होगो।